क्या है हाइब्रिड रिलीज, क्या होगी अतरंगी रे का फ्यूचर, अपने काम के बारे में क्या कहना है अक्षय का। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार एक ऐसे स्टार है जो पिछले साल लॉकडाउन खुलने के बाद इंडस्ट्री खोलने पर काम शुरू करने वाले पहले एक्टर थे। उनकी फिल्म बेल बॉटम जहां अब रिलीज के लिए तैयार है, वही अक्षय ने खुलासा किया कि पैंडेमिक के समय जहां लोगों के काम छीने जा रहे थे, किसी के पास कुछ करने को नहीं था, ऐसे में उन्होंने इसी पैंडेमिक में 5 फिल्में पूरी की है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। हाल ही में अक्षय ने एक मीडिया पोर्टल से बात की और कई बातों का खुलासा किया। जब उनसे पूछा गया कि कोविड-19 के साथ जीते जीते 17 महीने हो चुके हैं और फिल्म मेकिंग और बाकी चीजों में वो क्या बदलाव देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरों का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं बेशक ही पहले की तरह अपने काम पर लौट आया हूँ। मैं अपना वही रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। इस पैंडेमिक में मैंने पहले ही 5 फिल्में पूरी कर ली है। उसके अलावा मैं अपनी 6th फिल्म सिंड्रेला के काम में बिजी हूँ। सिंड्रेला में मेरे साथ बेल बॉटम वाली पूरी टीम है, हालांकि ये बिल्कुल पहले जैसा ही है। कोविड से पहले भी मैं एक साल में एवरेज 4 से 5 फिल्में ही करता ही था। हाँ, ये कह सकते हैं कि आजकल जिस तरह से फिल्मों को रिलीज या दिखाया जा रहा है या दिखाया जाएगा, उसमें बेशक ही बदलाव आने वाला है। जैसा कि मेरी कई फिल्मों की शूटिंग से पहले ही मुझे पता था कि ये फिल्म OTT पर ही रिलीज होगी, हालांकि अतरंगी रे के साथ बिल्कुल ही एक अलग अनुभव रहा। आपको बता दें कि 6 अगस्त 2021 को थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्म अतरंगी रे अभी तक रिलीज नहीं हुई है और अब ये सीधा OTT पर ही रिलीज होगी, जिसके बारे में अक्षय ने कहा कि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आप जब किसी फिल्म की दिल से शूटिंग करते हैं और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं हो तो बेशक ही बुरा लगता है। हाँ, हम अतरंगी रे की OTT रिलीज प्लानिंग कर रहे हैं, पर वो सिर्फ इसलिए ताकि लोगों का इंतजार ज्यादा लंबा ना हो और उनके एंटरटेनमेंट पर कोई रोक ना लगे। इसके अलावा एक नई चीज मैंने सीखी है और वो है हाइब्रिड रिलीज, जिसमें आपकी फिल्म को थिएटर और OTT पर एक साथ रिलीज किया जाता है। मैं तो यही कहता हूँ कि चाहे ऐसे हो या चाहे वैसे, द शो मस्ट गो ऑन। दोस्तों, आपको बता दें कि आनंद एल राय द्वारा निर्देशित अतरंगी रे एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार के अलावा सारा अली खान और धनुष जैसे स्टार्स भी हैं। फिल्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इंटरकास्ट जैसी मुश्किलों से गुजरती एक लव स्टोरी है। फिल्म से जुड़ी ऐसी ही कुछ बातें के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।